दोस्तों सैम पित्रोदा के दिए गए बयान के बाद फिलहाल कांग्रेस अभी उससे दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। पहले जयराम रमेश ने उसके बयान से किनारा करते हुए उसे उसका पर्सनल कमेंट बता दिया और अब उसके अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। लोकसभा इलेक्शंस की वजह से कांग्रेस ने भले ही उसे अध्यक्ष पद से हटा दिया हो, लेकिन डिबेट्स में मुद्दा अभी भी यही गरमाया हुआ। सुबह डिबेट में हमने देखा था कि कैसे आशुतोष ने अपने आप को कलुआ, काला कौआ या फिर कालिया वाले कमेंट से सैम पित्रोदा के कमेंट को डिफेंड करने की कोशिश की थी, पर अभी के डिबेट में एक और बंदा आ गया जो आशुतोष से भी नेक्स्ट लेवल मजेदार था, फनी था। क्या मैं आपको चीनी दिखाई देता हूं? मतलब मैं सुबह से परेशान हूं कि मैं कहीं से चीनी नहीं दिखता, ना मेरा कम्प्लेक्शन उतना फेयर है, ना आंखें उतनी छोटी है, ना नाक उतनी छोटी है, ना होठ उतने पतले हैं। एक अमेरिका में बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी का नेता मतलब पूरे देश के बारे में कुछ से कुछ बोलता जा रहा है। ऐसे बहुत कम पत्रकार होते हैं जो फनी भी होते हैं, सार्कास्टिक भी होते हैं और जमकर क्लास लगाना भी जानते हैं, और हमारा ये पत्रकार शायद उन्हीं में से एक था। पहले तो इस बंदे ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जमकर सार्कास्म कसा, उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता को लताड़ दिया। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने आज एक फिर से ऐसा बयान दे दिया जो कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक हथियार मिल गया। सैम पित्रोदा आप जानते ही हैं, शिकागो में रहते हैं, अमेरिका में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख भी हैं। हाल में इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स को लेकर उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, उस पर खूब विवाद हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उस बयान से खुद को अलग कर लिया था। सैम पित्रोदा ने फिर एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा पूर्व भारत के लोग हमारे यहां चीनी जैसे लगते हैं, चीनियों जैसे, पश्चिम में रहने वाले लोग अरबी जैसे दिखते हैं, उत्तर भारतीय गोरे होते हैं, दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं। अनुराग भदौरिया बोलिए, अनुराग आपकी बारी है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चौथा फेज का चुनाव आया है, तीसरे फेज तक भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि जो मुद्दे हैं, जैसे मानक जी आप कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि भदौरिया जी आएंगे तो वो अपने मुद्दों पर ही बात करेंगे, वो महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, युवा, छात्र, दरअसल मुद्दे यही है, इससे ज्यादा इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है, इसलिए जनता उनको हरा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दों पर चर्चा करे, महंगाई बेरोजगारी पे, तो शायद जनता उनको थोड़ा सा सम्मान दे। लेकिन वो देखिए कैसे कैसे मुद्दे ला रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे मुद्दे उनके बदलते जा रहे हैं। शुरू शुरू के पहले फेज में उन्होंने थोड़ा विकास की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको लगा कि धड़ाम से गिर गए तो फिर वो मंगलसूत्र पे ट्रांसफर हो गए, अब वहां भी धड़ाम से गिर गए तो पाकिस्तान पे शिफ्ट हो गए, वहां से धड़ाम से गिर गए तो आप पता नहीं कहां चले गए, किसने क्या कह दिया, किसने क्या सुन दिया। लेकिन जनता तो वही सुनना चाहती है ना, अब छटपटा के क्या कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऑलराइट, अनंत विजय आपकी बारी है, बोलिए। मानक जी, आज सवेरे से मैं दो बातों को लेकर मानक बहुत चिंतित हूं। एक एक कि क्या मैं आपको चीनी दिखाई देता हूं? मेरा चेहरा मोरा चीनी वाला दिखाई देता है? चीन का मैं नागरिक दिखाई देता हूं क्या आपको? फुल स्क्रीन लाइए सर, आनंद विजय को हम भी देखें करीब से। हाँ देखिए, क्या मेरा चेहरा चीन के लोगों जैसा दिखाई देता है? चपटी नाक, छोटी आंख, कोई ऐसा दिखाई दे रहा है क्या आपको? पर वो तो पूर्वोत्तर के लोगों के लिए बोला ना। नहीं, उन्होंने ईस्टर्न इंडिया कहा है सर। मैं तो बिहार का रहने, ईस्टर्न इंडिया तो बिहार तो ईस्टर्न इंडिया में आता है सर। मैं मतलब मैं सुबह से परेशान हूं कि मैं कहीं से चीनी नहीं दिखता, ना मेरा कम्प्लेक्शन उतना फेयर है, ना आंखें उतनी छोटी है, ना नाक उतनी छोटी है, ना होठ उतने पतले हैं। एक अमेरिका में बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी का नेता मतलब पूरे देश के बारे में कुछ से कुछ बोलता जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस बात को लोग मिस कर रहे हैं, बात और बोली है उन्होंने जो ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा राम राम मंदिर, रामनवमी, इसको लेकर के आइडिया ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री चैलेंज कर रहे हैं। आपको पता है गांधी जी ने क्या कहा था भारतीयता के बारे में? गांधी जी ने कहा था भारतीयता को अगर एक शब्द में मुझे डिफाइन करना हो तो उसको कहूंगा मैं रामत्व। अब ये आइडिया ऑफ इंडिया कहां से आ गया इसमें? अंड बंड जो मन में हो रहा है उसको बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उसको ओन कर रही है। नहीं नहीं, ओन नहीं कर रही है, डिसओन कर रही है। अरे ओन कैसे नहीं कर रही? अगर अपने पद पर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं अभी तक इतने इतने कंट्रोवर्शियल बयान के बाद तो ओन ही कर। जयराम रमेश का ट्वीट देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, सबने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है।
सर ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी पुरानी आदत है, दिग्विजय सिंह के बयानों को याद कर लीजिए, रशीद भाई बैठे हैं उनको याद होगा, वो संघ को लेकर इतने विवादित बयान दिया करते थे, चाहे 26/11 का हो, चाहे उसके पहले का हो, चाहे सुदर्शन जी को लेकर हो, वो बयान देते थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती थी ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ये कौन सी राजनीति है? मतलब अगर वो नेता के तौर पर बयान दे रहे हैं या नेता और व्यक्तिगत, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है हमारे देश में। खैर, लेकिन ये जो बात कही है उन्होंने, सत्यनारायण पित्रोदा जी ने, वो बड़ी खतरनाक बात कही है आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर। तो आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर अगर इस तरह की बातें होंगी और उस पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी मुझे लगता है, लेकिन जितनी तीव्र प्रतिक्रिया मैं अपेक्षा कर रहा था श्रीमती प्रियंका वाड्रा से, कि जितनी तीव्र प्रतिक्रिया उन्होंने अंबानी अडानी पर दी रायबरेली में, उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया उनको राम मंदिर, रामनवमी और मंदिर जाने पर आइडिया ऑफ इंडिया के चैलेंज होने पर देना चाहिए था। और इसका मुझे लगता है कि चौथे चरण पर, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहा था मानक, कि इसका चौथे चरण पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, जो बात आज सत्यनारायण पित्रोदा जी ने कही है। तो मुझे लगता है कि महिमा ने अभी हाथ उठाया था, महिमा जवाब देना चाह रही है, बोलिए। देखिए, बड़े सम्मान के साथ अभी जो बात वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कही, हमारी पार्टी के एक पदाधिकारी जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और देश से कोसों दूर बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई बात कही और तुरंत पहला अवसर मिलते ही पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो व्यक्तिगत तौर पे किसी पॉडकास्ट में गए, उन्होंने किसी पॉडकास्ट में व्यक्तिगत तौर पे कोई बात की। क्या पार्टी ने उनको उस पॉडकास्ट में भेजा? पहली बात गलत। क्या पार्टी के कहने पे ये बयान दिया गया? क्या पार्टी का ऑफिशियल स्टैंस ये है? ये सारी बातें गौर करने की है, मगर उससे भी ज्यादा गौर करने की बात मानक यहाँ पर ये है कि ये तो एक ऐसे पदाधिकारी की बात है जो ना देश में है, ना जिनका देश की सक्रिय राजनीति में कोई किरदार यहां पर मौजूद है। वाह वाह, इसको कहते हैं भाई साहब दोगलापन, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। मतलब एक बंदा जो इनका पदाधिकारी है, इनका ओवरसीज का अध्यक्ष है, ये कह सकते हैं कि कल तक हुआ करता था, वो बंदा आज अगर देश में नहीं है तो उसको पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको इस देश से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। जबकि ध्रुव राठी ना तो इस देश में रहता है, ना ही इस देश का है, उस बंदे के पास तो सिटीजनशिप भी जर्मनी की है, और अगर वो पीएम मोदी पर, अगर वो इस देश के बारे में कोई भी टिप्पणी कर दे, तो उसको ये लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बताते हैं, ऐसे वायरल कराते हैं जैसे जाने वो सच में इस देश का निवासी है, जैसे वो सच में इस देश के मुद्दों को जानता है, जैसे वो सच में इस देश के हालात बदलने के लिए या सुधारने के लिए काम कर रहा है, जैसे कि वो सच में एक अच्छा हिंदुस्तानी है। मतलब ये लोग सैम पित्रोदा को अभी लात मार के पराया बनाने में लगे हुए हैं, जबकि ध्रुव राठी को ये लोग जाने कब से अपना अब्बू मान चुके हैं। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, इसको कहते हैं दोगलापन, और ये सब कांग्रेसियों में कूट कूट कर भरा हुआ। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।